अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर बैक विद इन द न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हर वक्त साथ होंगे। दोस्तों, आज कहीं जा रहे हैं हम घूमने फिरने, तो ईद के दूसरे दिन गए थे हम मुझे साथ जी, और फिर से बहुत तो मैंने का प्रोग्राम बना था, लेकिन वो एक हमारे दोस्त थे उनकी वजह से मिस हो गया था, क्योंकि बड़ी मुश्किल के साथ हमने बंदे पूरे किए थे और उनका कोई मसला आ गया था जिसकी वजह से हम नहीं जा सके। तो आज हम जा रहे हैं, उधर तो नहीं जा रहे, लेकिन एक और जगह उनका ही मसला है तो जा रहे। उन्होंने बोला कि यार उधर नहीं तो इधर ही चलते, तो निकलते हैं। टाइम काफ़ी हो गया और शाम को आपको पता है कि सवेरे ही घर पहुंचना होता है, तो निकलते हैं और देखते हैं रास्ते में क्या कुछ सीन रहता है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। रास्ते में जी थोड़ी देर हम रुके थे, और बाइक पर आपको पता है कि बंदा थक जाता है, तो थोड़ी देर स्टे करने के बाद निकलते हैं आगे। और यहाँ पर एक लीक शुरू हुई है जो हमें इधर आगे पता लग गया, तो थोड़ी देर देखते हैं और निकलते हैं। तो दोस्तों और माशा, आज हम आए जी तौली पीर। काफ़ी दिनों से प्रोग्राम कर रहे थे लेकिन कोई सीन नहीं बन रहा था, लेकिन आज हम आए। तो पिछली बार आपको तो बताया कि हम बर्फ़ में आए थे, तो चलते नेट हैं और देखते हैं कि ऐसा कोई सीन रहता है। तो तो अभी थोड़ी देर बैठे हैं नीचे ही, थोड़ी देर दोस्तों, बाद चलते हैं ऊपर और देखते हैं कितनी है क्या हवा आई है, क्या कुछ सीन है। जैसे हम थोड़ा ऊपर पहुंचे थे ना, हमें नजर आया था घोड़े का बच्चा। जो हमारे दोस्त हैं वो बड़े शौकीन हैं इन चीजों के, तो उनको पसंद आ गया। उनने जब कीमत पूछी, कीमत उन्होंने बताई 60,000। तो हमें तो पता था कि इधर बड़ी नुस्सी हवा हम रहती है, तो हमने उनको बोला कि यार छोड़े इधर से, आप चले आगे, क्योंकि हमारे पास कोई इंतज़ाम भी नहीं था। उनका तो पूरा मूड बन गया था। बाकी जिधर तक आवाम की बात है ना, आवाम भी बहुत ज़्यादा कम थी, और हमने सोचा कि जब तक रश पड़ता हम घूम फिर के सेल्फियाँ लेके निकलते हैं। तो मासिर और दोस्तों, अभी हम घूम फिर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है, मौसम चेक कर रहे हैं। और ये जी फैजान भाई, सलाल भाई, क्यों नहीं जी, मैंने असल में चला टंगी नहीं। और अभी जा रहे हैं हम आगे घूमते घूमते, आगे वो चेक कर रहे हैं उस जगह पे हम जाना चाहते हैं, बड़ी मज़े की जगह। पिछली बार जब हम बर्फ़ में आए थे ना तो उधर नहीं जा सके थे, लेकिन अभी इतना एंड वाला व्यू उधर आ रहा है ना, चलते हैं उधर देखते हैं। बाकी जगह जगह फ़ोटो बन रहे हैं, बड़ा हाई वाले मामला आते, तो चलते हैं उधर। और दोस्त भी हमारे वो पीछे खड़े हैं, तो उधर ही चलते हैं और बाकी जो सीन होता है देखते हैं उधर ही जाके। थोड़ी देर बैठेंगे, अभी हम बैठे ही नहीं हैं, जो स्टार्ट में उधर बैठे थे नीचे, तो जाके थोड़ी देर आराम करते हैं और व्यू एंजॉय करते हैं। सारे को नहीं बोलना यार, पीसी सीसी में कुछ आखिरी जगह हमें ये रहती है जी जिधर हमने जाना है, पीछे आप देख सकते हैं बड़ी मज़े की जगह है, ऊपर से लेके नीचे तक फुल मुतमिन जगह है। तो अभी चलते हैं उधर थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद। और ये चक्कर है जी, बकरे वाले कुत्ते, किसी को चाहिए तो रब्ता करें मुझसे। और बाकी ये पप्पू उस्ताद जो जिनकी पिछली वीडियो आई थी, बड़े अच्छे सिंगर हैं ये, आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है। और ये कारी आसिम साहब, ये सहलाल साहब, और ये कारी फैजान साहब। अभी चलते हैं थोड़ी देर इधर घूमने फिरने के बाद आगे। एंड पॉइंट पे हम आ गए हैं जी, व्यू चेक करें ऊपर से नीचे तक एक ही जगह है, और सामने आप देख सकते हैं इंडिया का एरिया जिधर आपको बर्फ नज़र आ रही है, वो सब इंडिया का एरिया है। पिछली बार हम आए थे, हमने आपको दिखाया था, लेकिन वो जो बर्फ़ वाली वीडियो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि बर्फ़ में ये जगह किस तरह थी और आज इस जगह की क्या पोजीशन है। देख सकते हैं आप बर्फ़ में ये किस तरह थी, वो मैं इधर ऐड कर लूँगा। ओके, देखते हैं अभी और क्या सीन बनता है। अभी कोशिश यह है कि इधर से होने के बाद वापसी करते हैं।